सुवैर्यभद्रं तन्नयासुम ॐ अग्ने नयसुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विश्वा युयो दस्मजहुरानमेलु भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम. अविरल निर्मल सलिल सजय ज्ञान प्रदायिन ज्योतिर्मय हो चहु विषि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाह मई नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता डॉक्टर आई के सूद जी का जिनके सौजन्य से आज हमारे पास हंस राज महिला महाविद्यालय के पास बोर्ड रूम मौजूद है. डीडी सूद बोर्ड रूम और सूद परिवार के लिए कुछ पंक्तियां मौज में आए तो कतरे को दरिया कर दिया पड़ गई बंदे पे नजर बंदे को मौला कर दिया. गुजरते वक्त की रोशनी लेकर सूद परिवार ने चिराग नए जलाए हैं अज्ञान से ज्ञान तक अंधेरे से उजाले तक अंधविश्वास से सच्चाई तक. प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस अजय सरीन से गुजारिश कि आए हुए मेहमानों का प्लांटर से स्वागत करें. लेकिन अगर मैं खास तौर पर आज जिक्र करूं तो डॉक्टर इंद्र सूद जो कि आज के इस शाम के मुख्य मेहमान हैं वो आज अपने पूरे परिवार के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं. सर मैं हंस राज मैना महाविद्यालय की तरफ आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं. डॉक्टर अंजना ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करा लेकिन मैं तो उन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से देखते हुए एक ही बात के साथ कैच कर सकती हूँ इकट्ठा कर सकती हूँ. इतना सब कुछ ये इतने कम दिनों में पॉसिबल हो पाया क्योंकि टीचिंग नॉन टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ उसकी तो शक्ति मेरे साथ थी ही थी उसके साथ ही साथ आशीर्वाद मेरे पास पूरी की पूरी लोकल कमेटी का पूरी की पूरी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का था. हर दिन जिंदगी में एक नया मैसेज लेके आता है इसी चीज़ को जिंदगी में मानते हुए हर दिन की शुरुआत मैं भी करती हूँ और मेरी फैकल्टी भी करती है. हर दिन हम समाज के लिए एक अगर अच्छा काम कर सकें तो शायद हमारा एक अच्छे नागरिक होने का जो हम अपने आप से वायदा करते हैं
और राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको हम जरूर पूरा कर सकते। इतनी हम्बलनेस कि हम एक छोटी सी धनराशि किसी काम के लिए लगाना चाहते हैं और अपने फादर की याद में लगाना चाहते हैं, तो आप बताएं कि कहाँ लगाएं। इतना ही, और इस चीज़ के मिस्टर अमरजीत खन्ना विटनेस है कि जस्टिस सूद को मिलने के लिए हम किसी काम से गए उनके ऑफिस, तो जैसे ही वो काम करके उठे तो उन्होंने धीरे से कहा कि ओ मेरा भरा आ रहा बारू वो ना कुछ सूद साहब की याद च कुछ करना चाहता है, तुम दसो। यही इनवर्टेड कॉमास एंड एवरीथिंग टर्न आउट सो स्मूथली, सो इन सच अ सिंपल मैनर कि जिस दिन मैंने खन्ना जी को बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे वो करना चाहते हैं, खन्ना जी हैं ऐसा हो सकता है मैडम, दिस वॉज द एक्सप्रेशन। बिकॉज जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने में मिलती। जब मैं बटाला में थी तो एक वहाँ पर मिस्टर राम कुमार अग्रवाल हुआ करते थे, क्योंकि कॉलेज वो बड़ा छोटा सा था और रिसोर्सेज भी खुद ही जनरेट करते थे हम लोग। तो एक बार मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप अपनी, उनकी माता जी का नाम था माता दाई, तो मैंने कहा आप माता जी की याद में एक बार आपने जिक्र करा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप क्या करना चाहते हैं। मैडम एक कमरा बनवा लो तो बाल मेरी माता जी की फोटो लगा देना। माता जी ठीक है, तो नक्शा बना लिया गया, सब कुछ एस्टिमेट बन गया। और जब कमरे का नक्शा लेकर हम लोग उनके पास गए तो मैंने कहते इस लाइन में और क्या है आगे, मैं कहा सर कुछ नहीं है, यहाँ सर्वेंट क्वार्टर थे वो हमने सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिए हैं, अब ये जगह खाली है। कहते अच्छा नक्शा मुझे दे दो। नक्शा दिया है, 15 दिन का उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने आसपास सब जगह से पता किया कि ये पैसा जो मैं देने लगा हूँ क्या ये सही जगह इस्तेमाल होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और शायद समाज से उन्हें एक अच्छी रिपोर्ट हुई। और आप यकीन माने कि 15 दिन के बाद जब वो नींव पत्थर रखने के लिए आए तो एक की जगह 6 कमरे उन्होंने अपनी माता जी के वही हम्बलनेस, वही शालीनता, वही जमीन से जुड़े रहना मैंने सर को मिलकर भी पाया। जस्टिस सूद के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं। श्री डीडी सूद जी को मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने उनके काम के बारे में बहुत कुछ सुना और बहुत अच्छे सोर्सेस से सुना। मेरे मदर जो है वो साइना सीनियर गर्ल्स स्कूल जो विक्रमपुरा है उसके प्रिंसिपल रहे हैं, और उस वक्त श्री डीडी सूद जी उनके चेयरमैन हुआ करते थे। सो दिस इज हाउ आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिपोर्ट अबाउट हिम, लेकिन मुझे उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आज इस परिवार को मिलकर, चाहे वो जस्टिस सूद है, चाहे डॉक्टर इंद्र सूद है, चाहे श्री वी के सूद जी है या चाहे श्री वाई के सूद जी है, चाहे इनकी नेक्स्ट जनरेशन में मिस्टर गौरव है या हमारे पास मिस्टर राघव है, एक चीज़ यकीनन साबित हो जाती है कि संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही परिवारों में चलते चले जाते हैं, और उन संस्कारों को समेट कर रखने का जो जिम्मा हमारी मातृशक्ति ने निभाया है, जो सूद परिवार की बेटियों ने निभाया है, वो वाकई ही आज के संदर्भ में काबिल-ए-तारीफ है। मुझे इस बात का गर्व है कि आज हमारे पास मैडम मनोरमा मायर, मैडम सुषमा सूद, मैडम सुदर्शन सूद और इनके नेफ्यू श्री ब्रिज बिहारी बुटेल जी सब पूरे भरे भरे परिवार के साथ मौजूद हैं। आज के जमाने में जो काम इन्होंने किया निश्चय ही ये इनको तो संतुष्टि देगा ही देगा। मेरा अभिप्राय यकीनन सिर्फ धन के माध्यम से दिए जाने वाले दान से नहीं है, मेरा अभिप्राय मन से, विचारों से, समय से और अच्छी सोच से दिए जाने वाले योगदान से भी है। जितने हमारे लोकल कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब इतने काबिल हैं कि कोई धन से, कोई मन से, कोई वाणी से, कोई विचारों से
हमेशा हमें एक अच्छी सोच प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि एक स्वच्छ सभ्य समाज की रचना करने में हमें बहुत मदद मिलती है। अक्सर मैं कहा करती हूँ कि चाहे आईसीटी का जमाना है, चाहे कंप्यूटर, इंटरनेट, सब कुछ आज हमारे पास है, लेकिन इनसे मिली हुई एक शाबाशी, इनसे मिली हुई एक एप्रिसिएशन की पैट जो पीठ पर थपकी लगती है, वो कोई भी कंप्यूटर दे नहीं सकता। सो ये संबंध जो हमने अपने डीएवी परिवार में स्थापित किए हैं, ये रिश्ते जो हमने अपने डीएवी एचएमवी परिवार में स्थापित करे हैं, यकीन मानिए कि आपके इस जेस्चर से हम अभिभूत हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपका धन्यवाद कर सके। मेरा धन्यवाद श्री अरविंद कई जी को, जो कि सेक्रेटरी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी है, हमारे आए हुए सभी लोकल कमेटी के मेंबर्स श्री सुनीता सेठ जी, श्री माया जी, श्री कुंदला जी अग्रवाल, डॉक्टर पवन गुप्ता, श्री अजय गोस्वामी जी, हमारे कॉलेजेस से आए हुए प्रिंसिपल्स और सभी फैकल्टी मेंबर्स को, जिन्होंने शिरकत करके इस समारोह को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया। आप सबकी प्रेजेंस को यहाँ मैं एक्नॉलेज करती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, members of the Managing Committee, faculty members, students, and friends. I cannot think of a better way to honor our father. He was actually a great man for us. You have seen outside already a part of his life history. He came from very humble beginnings, but he never forgot where he came from. He was fortunate to have the benefit of help from a variety of sources in his life. So one lesson he left for all of us was education. Education, education, education. He believed in it. He told all of us that there's no better way to advance yourself, to be a better person, than through education. I should also say that he was very particular about educating not only his sons, but his daughters as well. All my sisters went through whatever they wished to do in their life and happily finished higher education in actually this very institution. All of us have a vote of thanks for the DV institution. We all benefited one way or another from our association with the DAV institutions, whether it's the DAV college, whether it's Raj Mahila Vidyalaya, or any other place. My sisters, of course, the two older sisters, Mrs. Meyer and Mrs. Sooth, initially wandered off to a different place called KMV, but fortunately they were wise enough to return to the DAV institutions in the third year of the college. Our father was extremely fond of the DAV Society. I remember vividly, however busy he was, howsoever urgent his day might have been, he would never miss an opportunity to attend a meeting of the Managing Committee, a function, a contest, or whatever you can think of. DAV institutions were close to his heart. I think when we thought about how to honor him, we unanimously, amongst my siblings, decided this is perhaps the most appropriate way to honor him. His vision and his support for education left me with one message, which is education is important. But there's a second message, which I have also kept with myself, and I've tried to live by that message. As his life history has shown, he was rewarded by virtue of the fact that he was an intelligent person. The God had given him good intelligence. But he also never forgot that he had help.
that he was helped by some people along the way, including his dear sister, our cousin, Sri Brij Bihari's mother, and others. So what does it mean to me? I have always felt that no person who has the potential should be denied an education. So it's particularly important for me. I was delighted to hear when I met Dr. Sareen the other day that Hansraj Mahila Vidyalaya goes out of its way to help girls who are in need and who cannot otherwise get in college. And I think this is a great credit to you, Dr. Sareen, and to the DOE institutions generally. The other lesson which I have observed through my experience is education of girls. There's an old saying, you educate a boy, you educate one person, you educate a girl, you educate a family. I firmly believe, and I've experienced in my life that supports this assumption that I live by. I have two daughters, I'm proud a father of two daughters, and I'm committed to the idea of not only education, but education of girls. It's with great pleasure, therefore, that we have this opportunity to be of some small help to this wonderful, wonderful institution that you're leading so ably, Dr. Sareen. With that, those words, let me thank you again. And if you may, I'll ask my sister, Mrs. Manorama Meyer, who heads our local society through which we make these contributions, to present you our gift. Please, Manorama. I express my gratitude to give us so much honor. We have done a very little bit, we didn't deserve this kind of thing, but we feel very honored. The only thing, one point I would like to mention, because for the last 5-6 years I have been coming to HMB, and we forgot to mention that Dr. Andersud has been contributing to help many girls here, and average we were. I think he was contributing about 3-4 lakhs every year. For the last 5-6 years, we have been also helping Charlie. That's why he's not there. Yeah, so she knows it. So our connection with HMP is for the last 5-6 years also. But thank you very much. I'm not a good speaker, so I cannot speak much. Thank you. Indra Suji, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसे मौके पे हमें आपने पैसा दिया कि जब हम सोच रहे थे कि हमें यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक है मैडम एंड वो तो जस्ट हैविंग प्लानिंग कि आप कार डिजाइन बीम में कैसे करें क्या करें और कितना खर्चा आ जाएगा मैडम वाज वरीड कि इतना सुंदर बनाना है तो कैसे बने सूद साहब ने जस्सी सूद जी ने कहा कि 20 लाख रुपये मेरे भाई ले ही लेना तो आपने बहुत बड़ी हमारी हेल्प की है तो इसलिए मैं आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ आपके परिवार को देखकर आपकी बगिया को देखकर दीदी सूजी असल में दिल से कह रहा हूँ याद आते हैं मुझे याद है 97-98 की बात है 2-3 बार उनको मैं लेने गया घर से वृद्धावस्था थी काफ़ी बुजुर्ग थे एक बार तो बीमार भी थे जब मैं जैसा मार्च को पार्टियों में फेट लगनी थी तो मैं उनको गाड़ी में लेके आया कुछ लोगों भी गया लेकिन उनको सोच के उनके बारे में विचार करके लगता है कि वो किस स्टेटस के किस सोच के मालिक थे जिन्होंने इतना सुंदर सा परिवार तैयार किया ये देख के बड़ी प्रसन्नता होती है और अचंबा भी होता है उस जमाने में बच्चों को इतनी अच्छी विद्या देनी ग्रहण करानी आपको इतना पढ़ा लिखा कर यूएसए आप चले गए वहाँ जाके नाम रोशन किया अपने पिताजी का यहाँ पे भाई साहब हैं चाटर अकाउंटेंट हैं जस्टिस सूद हैं हमारे सारे परिवार को क्योंकि मैं भी यहाँ का पला हूँ यहाँ का रहने वाला हूँ जन्म का जैसे नाम रोशन उन्होंने किया ये भी संस्थाओं का आपने उनका नाम रोशन किया है मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और आगे नई जनरेशन जुड़ रही है साथ में जिसको देख कर भी बहुत अच्छा लग रहा है और परमपिता परमात्मा ऐसे ही आपके जो आपका दिल भर रहा था पिताजी का नाम लेके मैं देख रहा था क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है
कि जब हम विनम्र होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये समय थैंक्सगिविंग का होता है, उसको हम उनका धन्यवाद करते हैं कि माता पिता ने हमें यहाँ बचाया है, तो उनको हम याद करें। तो ये जो याद करते हैं, उनकी जो संतान है वो भी वैसी ही बनती है जैसे दादाजी उनके आपको बना के दिए हैं। एक बार फिर से आप सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और इसी तरह से आप जुड़े रहें। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि 5-6 साल से आप यहाँ पर गरीब बच्चियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई मेरे ख्याल में हेल्प कोई नहीं हो सकती। तो ये हेल्प जो है वो जो बच्चियाँ बन भी जाएंगी तो मेरा ख्याल है वो भी याद करेगी कि एचएमडी में जो हमें पढ़ाई दी है, विद्या का दान दिया है, उससे जैसा आपने कहा कि माँ जो है एक कोच, और जब उसको विद्या मिलती है तो एक परिवार बन जाता है, वो जो परिवार है आप बना रहे हैं, आपका फिर से धन्यवाद। तो जीवन को सार्थक कैसे करते हैं? अब चूंकि ये टेक्निकल भी थे, डॉक्टर भी थे, और विश्व में सब कुछ जाने और पहचाने हुए थे, उन्होंने मुझे बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि हमेशा याद रखना कि जब ईश्वर ने तुम्हारा मन निर्माण किया तो जो डीएनए में उसने डाला, और डीएनए में सर्वगुण संपन्न बनाने के बाद जिस कोक में तुमको स्थान दिया, और उस कोक में स्थान देने के बाद जित बहुत बड़े वृक्ष के नीचे कोक और उस कोक से उत्पन्न होने वाला रत्न बाहर आया, कभी भूलना नहीं कि तुम्हारा वजूद उस ईश्वर की कृपा के ऊपर है। और हमेशा ये याद रखना, जैसे गीता जी में कहा गया है कि जब जब कुछ भी करो, जैसे जैसे कुछ भी करो, यही हमेशा याद रखना कि ईश्वर ने तुमको एक उपकरण बनाकर अपने किसी कार्य के लिए निर्धारित मार्ग देकर इस दुनिया में भेजा है।